हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सभी के साथ लाइव जुड़ चुका हूँ। आप सब भी लाइव जुड़ जाइए और सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। हर्ष बाबू, भारती यादव, चलिए गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। चलिए आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर चॉइस में, वेयर सक्सेस बिगिंस। चलिए जल्दी से आप सभी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए भाई, सेशन को शेयर कर दीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, थंबनेल में देखा होगा कि आप लोगों को आज मॉडल पेपर कराया जाएगा सोशल साइंस का। सोशल साइंस का मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाएगा, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 40 करने रहते हैं एग्जाम में, लेकिन हम लोग 80 के 80 क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी सेशन को शेयर कर दीजिए भाई, सेशन को आप सभी शेयर कर दीजिए। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा भाई, लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए शेयर कर दीजिए आप सभी सेशन को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार बोर्ड ने कोई बदलाव नहीं किया है, जैसे पिछले साल की भांति इस साल भी मतलब वही तरीका से क्वेश्चन को पूछा है। जैसे कि 50% ऑब्जेक्टिव है दिया है, जैसे 80 नंबर का होता है सोशल साइंस तो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन प्रश्नों की जो संख्या होगी ऑब्जेक्टिव की 80 होगी, 80 में से आपको 40 करना है भाई। अब बताइए कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, 80 में से 40 प्रश्नों को उत्तर देना है भाई, बस बहुत ही सिंपल है। अगर इस बार आप लोग नहीं करिएगा तो कब करिएगा बताइए। चलिए तो सबसे पहले मॉडल पेपर को एकदम बढ़िया से सॉल्व कर लेते हैं, एकदम सटीक उत्तर के साथ, सटीक आंसर के साथ। चलिए सेशन को आप सभी एक बार शेयर कर दीजिएगा भाई, सेशन को आप सभी शेयर कर दीजिएगा। और जैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया जाएगा, आज तो शायद खत्म ही हो जाएगा, उसके बाद उसमें जितने भी सब्जेक्टिव दिए हैं तो सब्जेक्टिव को भी सॉल्व कराया जाएगा, सब्जेक्टिव को भी सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, किसी बात की टेंशन नहीं लेना है। चलिए चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग सेशन को शेयर करते रहिएगा भाई। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं, बोलिए इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है, बताइए इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है। विच ऑफ दीज इज नॉट अ बायोटिक रिसोर्स, इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है भाई मछली, ऑप्शन नंबर बी है मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी है पेड़, या फिर ऑप्शन नंबर डी मानव। चलिए कन्हैया दुबे जुड़ चुका है हमारे साथ, जय जय श्री राम, जय श्री राम सीताराम, जय श्री कृष्ण। चलिए बताइए बताइए इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है भाई, जिस जैविक संसाधन को जिसमें जो सजीव हो, सजीव कौन है भाई, सजीव इसमें मछली है, पेड़ है, मानव है, लेकिन मिट्टी क्या है, सजीव नहीं है, तो जैविक संसाधन कौन नहीं है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मिट्टी हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग पीडीएफ के फॉर्मेट में आज बना दिए हैं, इसका पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भाई इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। कल हम लोगों ने कराया था तो उसका पीडीएफ नहीं था, सॉरी है उसके लिए, आज से पीडीएफ है तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ। चलिए बी, बहुत बढ़िया कन्हैया दुबे, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है भाई भारत सरकार की वन नीति के अनुसार, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित रहना चाहिए, वनाच्छादित यानी कि वन से भरा रहना चाहिए, पेड़ पौधों से भरा रहना चाहिए भाई, बताइए। अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट लीस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ लैंड शुड रिमेन अंडर फॉरेस्ट कवर, चलिए भाई आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है भाई 15%, ऑप्शन नंबर बी है 33%, ऑप्शन नंबर सी है 30%, या फिर ऑप्शन नंबर डी 45%, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए आर्यन कुमार, आर्यन कुमार चलिए बहुत बढ़िया, हर्ष बाबू, खुशी कुमारी, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग नहीं सॉरी गुड आफ्टरनून, इवनिंग कैसे हो गया, गुड आफ्टरनून। चलिए कन्हैया दुबे बी, कन्हैया दुबे बी बोल रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया, खुशी कुमारी ये बोल रही है, कन्हैया दुबे बी बहुत बढ़िया, आर्यन कुमार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 33% होगा भाई,
33%, 33%, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 33% पर वन रहना जरूरी है आपका वातावरण इकोसिस्टम को सही रखने के लिए। चलिए चलिए अगला प्रश्न देख ले रहे हैं। अगला प्रश्न है भाई, महानदी, महानदी पर कौन सा बांध बना है, बताइए बताइए महानदी पर कौन सा बांध बना है, विच डैम इज बिल्ट ऑन महानदी। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। पहला प्रश्न है, सॉरी पहला ऑप्शन है भाखड़ा बांध, भाखड़ा नंगल, नागार्जुन सागर बांध, या फिर हीराकुंड बांध, या फिर रिहंद बांध। चलिए आईपीएल लवर बी, चलिए बहुत बढ़िया। हर्ष बाबू तीन का सी, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हर्ष बाबू, खुशी कुमारी बी बोल रही है, आईपीएल लवर बी बोल रहे हैं, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। नागार्जुन सागर तो भाई कृष्णा नदी पर है, महानदी हीराकुंड, महानदी पर कौन सा है भाई, हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हीराकुंड बांध। चलिए आर्यन कुमार तीन का सी, हर्ष बाबू हीराकुंड, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। टेक्सोल क्या है भाई, टेक्सोल, टेक्सोल क्या है, व्हाट इज टेक्सोल, टेक्सोल क्या है भाई, मलेरिया का दवा है भाई। टेक्सोल एक प्रकार की दवा है, किस चीज की, मलेरिया की है, या फिर कैंसर रोधी दवा है, या फिर दर्द निवारक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए हेलो हेलो गुड आफ्टरनून भाई सभी को, आप सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए मैंने बताया था जब ऑब्जेक्टिव करा रहा था कि टेक्सोल जो है कैंसर के उपचार में लाभदायक है भाई, तो कैंसर रोधी दवा है, कैंसर होने से बचाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया बी, बहुत बढ़िया अब्दुल बारिक सिद्दीकी, बहुत बढ़िया आर्यन कुमार बी, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है भाई, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ मेटालिक मिनरल। तो आपके ऑप्शन है भाई बॉक्साइट, क्रोमाइट, ग्रेफाइट, या फिर निकल। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, आप सभी जल्दी से कमेंट करिए भाई। देखिए बॉक्साइट, बॉक्साइट तो लोहा का होता है, क्रोमाइट क्रोमियम से क्रोमाइट सर, निकल ये सारे क्या है भाई, मेटालिक है, ये सारे मेटालिक है, लेकिन जो ग्रेफाइट है ये नॉन मेटल है। ग्रेफाइट क्या है भाई, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल जो आपका खनिज होगा वो होगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट। ये तीनों के तीनों मेटालिक है, लेकिन ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटालिक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। चलिए आर्यन कुमार, खुशी कुमारी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब्दुल बारिक सिद्दीकी, हर्ष बाबू बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कन्हैया दुबे बहुत बढ़िया। चलिए चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है, इनमें से कौन टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है, आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। विच ऑफ दिस इज अ रीजन ऑफ टर्शियरी कोयल रिजर्व। चलिए आपके ऑप्शन है भाई झारखंड, मेघालय, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बताइए। ये चारों जगह से, मतलब कि थोड़ा थोड़ा, सबसे ज्यादा तो झारखंड से ही कोयला प्राप्त होता है, उसके बाद कर्नाटक से प्राप्त होता है, लेकिन टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र कौन है भाई, ऑप्शन नंबर ए झारखंड है। क्या है भाई, झारखंड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए इंडियन आर्मी, चलिए सैल्यूट है आपको भाई, सैल्यूट है। चलिए दीक्षा कुमारी गुड आफ्टरनून, चलिए गुड आफ्टरनून भाई गुड आफ्टरनून। अब्दुल बारिक सिद्दीकी सिक्स का ए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आर्यन कुमार कन्हैया दुबे बी बोल रहे हैं, बी नहीं होगा। खुशी कुमारी सी नहीं होगा, ए इज द राइट आंसर, ए होगा भाई। चलिए हलवा पूरी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हलवा पूरी क्वेश्चन ही पूछा जाता है भाई, हलवा पूरी क्वेश्चन ही पूछा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके एग्जाम में यही सब पूछा जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अनोज यादव हाय, चलिए हाय। चलिए अगला देख लेते हैं। इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है, परमाणु शक्ति के साधन इनमें से कौन नहीं है भाई, विच ऑफ दिस इज नॉट अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर। ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम, बॉक्साइट, मेनाजाइट, या फिर थोरियम। जल्दी से कमेंट करिए बताइए, जल्दी से कमेंट करिए भाई, जल्दी से कमेंट करिए। अनोज यादव हेलो, हेलो भाई आपको भी हेलो। देखिए भाई यूरेनियम से तो भाई बनाया जाता है न्यूक्लियर
मोनाजाइट से भी, थोरियम से भी, तीनों चीजों से बनाया जाता है, लेकिन जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट से न्यूक्लियर पावर नहीं बनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट। चलिए साहिल अंसारी, चलिए चलिए साहिल अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कन्हैया दुबे भी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अनोज यादव भी, बहुत बढ़िया, आर्यन कुमार डी बोल रहे, डी नहीं होगा बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है बताइए, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पोस्टल जोन्स, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है 5, बी में है 6, सी में है 8, डी में है 9, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए भाई, ए बी सी और डी, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, फटाफट से कमेंट करिए, फटाफट से कमेंट करिए भाई। 8 का सी होगा, क्या होगा भाई, सी 8। भारत को कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है भाई, 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, साहिल अंसारी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब्दुल बारिक सिद्दीकी बहुत बढ़िया, चलिए सी बोल रहे हैं, डी 8, डी 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 8 का डी नहीं होगा, सी होगा, सी होगा, अब्दुल बारिक सिद्दीकी, डी नहीं होगा, सी होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं भाई, इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है, असम जो राज्य है उसमें बाढ़ का कारण कौन नदी है भाई, विच ऑफ दीज रिवर्स इज द कॉज ऑफ फ्लड इन असम, आपका सॉरी ऑप्शन है ब्यास, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती या फिर महानदी, जल्दी से कमेंट करें, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है भाई, असम में कौन नदी बहती है भाई, ब्रह्मपुत्रा नदी, असम में कौन नदी बहती है, ब्रह्मपुत्रा नदी, वही कारण है वहां पर बाढ़ की, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्रा नदी, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्रा नदी, 9 का भी मिस्टर करण बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब्दुल बारिक सिद्दीकी, नीपू चौहान, डी नहीं होगा बी होगा, चलिए अशरफल अंसारी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, क्या होगा भाई, बी होगा, डी नहीं होगा, बी होगा, 9 का डी बोल रहे हैं, दीक्षा कुमारी, डी नहीं होगा, बी होगा, चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तरुण भारत संघ एनजीओ, तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है बताइए, टू विच स्टेट तरुण भारत संघ एनजीओ इज रिलेटेड भाई, आपके ऑप्शन है बिहार, गुजरात, केरल या फिर राजस्थान, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, इंडियन आर्मी भी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है, जल्दी से कमेंट करिए भाई, जल्दी से कमेंट करिए, चलिए देखिए सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर राजस्थान, राजस्थान से संबंधित है कौन भाई, तरुण भारत संघ एनजीओ, ठीक है। चलिए खुशी कुमारी 10 का डी, करण पासवान जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करण पासवान बहुत बढ़िया, खुशी कुमारी ये बोल रहे ए नहीं होगा, चलिए बहुत बढ़िया, कन्हैया दुबे बहुत बढ़िया, भारती यादव बहुत बढ़िया, आर्यन बी नहीं होगा डी होगा, खुशी कुमारी चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है, इनमें से किसका उपयोग, विच ऑफ दिस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज बताइए, अवरक, मैंगनीज, बॉक्साइट या फिर इनमें से सभी, जल्दी से कमेंट करिए भाई, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है बताइए जल्दी से, अवरक, मैंगनीज, बॉक्साइट या फिर इनमें से सभी, बेटा आपका नाम बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, अशराफुल अंसारी, चलिए अशराफुल अंसारी बहुत बढ़िया, मिथुन कुमार, चलिए हमारे साथ जुड़ चुका है मिथुन कुमार, आप सभी से अनुरोध है भाई कि आप सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, जितने भी बच्चे नए नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप सभी से अनुरोध है भाई, अनुरोध है आप सभी से, अनुरोध है आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए, ठीक है। अगर सेशन पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिथुन कुमार डी बोल रहे हैं, मिथुन कुमार डी बोल रहे हैं, करण पासवान जी ए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ए होगा, अभ्रक, माइका का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए माइका का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी जल्दी, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है भाई, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, इंद्रपुरी, इंद्रपुरी डेहरी ऑन सोन बिहार में है भाई, देखिए ऑप्शन नंबर ए में मणिपुर दिया है, गलत है, ऑप्शन नंबर बी में बिहार दिया, चलिए आपका उत्तर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिहार,
इंद्रपुरी कहां है? डेहरी ऑन सोन, लिख लीजिए यहां पर डेहरी ऑन सोन, डेहरी ऑन सोन। सोन नदी पर बनाया गया है इंद्रपुरी बांध, कहां पर है? डेहरी में, डेहरी ऑन सोन में और बिहार में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है भाई, असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम है, असाधारण, असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम है, द बुक मेड फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लांट्स इज, कौन है भाई? ब्लू बुक, येलो बुक, ग्रीन बुक या फिर रेड बुक? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, आप सभी सेशन को एक बार उठाकर फेंक दीजिए जहां तक जा सके। चलिए मिस्टर करण पासवान जी, निपू चौहान सी बोल रहे हैं, निपू चौहान सी बोल रहे हैं भाई, निपू चौहान सी बोल रहे हैं भाई, बताइए सी नहीं होगा। मैंने ये कराया था प्रश्न, ये प्रश्न मैंने कराया था ज्योग्राफी का है, क्या होगा भाई? रेड बुक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 13 का क्या होगा? डी, रेड बुक। चलिए बहुत बढ़िया करण पासवान जी, डी, डी आर के म्यूजिक भोजपुरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए भारती यादव 13 का डी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिथुन कुमार बहुत बढ़िया, अशराफुल अंसारी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, निम्नलिखित में, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? रबी फसल नहीं है, रबी फसल खरीफ फसल है, होता है ना, तो इनमें से कौन रबी फसल नहीं है? बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप, आपके ऑप्शन है गेहूं, चना, चावल, सरसों। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए भाई, जल्दी से कमेंट करिए। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है? इसमें से जो तीन होंगे वो रबी फसल होंगे, एक क्या है? रबी फसल नहीं है। जल्दी से कमेंट करिए आप सभी, जल्दी से कमेंट करिए भाई। देखिए, देखिए भाई, रबी फसल में क्या क्या आता है? गेहूं आता है, चना आता है, सरसों आता है, लेकिन खरीफ फसल में कौन आता है भाई? खरीफ फसल में आपका आता है चावल, मतलब धान। तो देखिए यहाँ पर चावल दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, तो इसमें से रबी कौन नहीं है भाई? गेहूं तो रबी है तो ये नहीं होगा, चना भी रबी फसल है, सरसों भी रबी फसल है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चावल। चावल क्या है भाई? खरीफ फसल है, ये क्या है भाई? खरीफ। चलिए चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है इंडियन आर्मी, बहुत बढ़िया। मिथुन कुमार बहुत बढ़िया, आपका जवाब बिल्कुल सही है। हर्ष बाबू म्यूजिक भोजपुरी बहुत बढ़िया, निपु चौहान बहुत बढ़िया, हर्ष बाबू। चलिए चलिए करण पासवान जी, चलिए बहुत बढ़िया। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है, द रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इज, आपका है ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर, चूना पत्थर, बी कोयला, सी एल्युमिनियम या फिर इनमें से सभी। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए भाई, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करिए, मन लगा के, मन लगा के पढ़ाई करिए, सफलता आपके पीछे आएगी। सफलता के लिए आपको नहीं जाना पड़ेगा, सफलता आपके पीछे आएगी, मन लगाकर पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए चलिए करण पासवान जी ये बोल रहे हैं ए इंडियन आर्मी, निपु चौहान ए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, चूना पत्थर, चूना पत्थर से सीमेंट बनाया जाता है, कोयला से सीमेंट नहीं बनाया जाता भाई, एल्यूमिनियम से भी नहीं बनाया जाता है, चूना पत्थर से सीमेंट बनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न। कोंकण रेल, जो एक कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? कोंकण रेल प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट? भाई आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, केरल, इनमें से सभी। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए भाई। सर आप कहां से हो भाई? बिहार से हूं ब्रो, बिहार से हूं ब्रो। तोहरा देखे से का लगता नहीं, बिहार से नहीं की का? बिहार से ही बनी हो, आपन जन्मभूमि बिहार, सबसे बढ़िया बिहार। चलिए मिस्टर स्मार्टी जुड़ चुके हैं थोड़ा लेट से, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। बताइए कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? जल्दी से कमेंट करिए भाई, जल्दी से कमेंट करिए भाई। तो कोंकण राज्य, सॉरी कोंकण रेल परियोजना बोल रहे हैं 16 का ए। चलिए करण पासवान डी, बहुत बढ़िया। इंद्रजीत सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ, चलिए डी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। ज्योति कुमारी जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, डी होगा, क्योंकि कोंकण रेल परियोजना का संबंध भाई महाराष्ट्र से भी है, गोवा से भी है और केरल से, तीनों राज्यों से है, तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए जी सर लग रहा है, चलिए 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 देखिए यहाँ पर
1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? व्हाट टूक प्लेस इन रियो डी जेनेरो इन 1992। चलिए आपके ऑप्शन है भाई, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जनसंख्या नियंत्रण सम्मेलन या फिर आर्थिक विकास सम्मेलन। देखिए रियो डी जेनेरो जो है ब्राजील का एक शहर है, वहां पर 1992 में भाई, 1992 में एक सम्मेलन हुआ था। कौन सा सम्मेलन हुआ था आप सब बताइए जल्दी से जल्दी से। राउडी यादव ये बोल रहे हैं, आरेश कुमार जुड़ चुका है हमारे साथ, चलिए राम राम श्रुति। देखिए तो आता ही बात चालू हो गया। चलिए करण पासवान बी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे, बहुत बढ़िया। अहिरान परवीन यादव बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज्योति कुमारी बहुत बढ़िया। राउडी यादव, मिथुन यादव, मिथुन कुमार बहुत बढ़िया। म्यूजिक भोजपुरी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए इंडियन आर्मी बहुत बढ़िया। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था भाई? रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। इसमें हम लोगों ने जितने भी 100 से ज्यादा देशों ने भाग लिया था, यहाँ पर 100 से ज्यादा देशों ने भाग लिया था, किसके लिए भाई? किसके लिए? पृथ्वी पर संसाधनों की मतलब कि बचत के लिए भाई, क्या उसका ह्रास नहीं होना चाहिए, अनियंत्रित दोहन हो रहा था, उसके लिए बचाने के लिए संसाधनों को यहाँ पर एक क्या करा गया था, सम्मेलन बैठाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बहुत ही आसान सवाल है, ये मैंने कराया था ऑब्जेक्टिव जब करा रहा था, बहुत ही आसान सवाल है। बताइए भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? विच इज विच सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन इंडिया? भाई काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। भारत एक कृषि प्रधान देश है, सबसे ज्यादा कृषि किस क्षेत्र में होती है भाई? किस मिट्टी में होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में। तो भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है, 18 का भी होगा। निपु चौहान यस सर, चलिए बहुत बढ़िया। श्रुति सिंह 18 का सी, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर्ष बाबू बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निपु चौहान चलिए चलिए, सभी का उत्तर बिल्कुल सही। चलिए चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भाई, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र भाई, वेयर वाज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट सेट अप इन इंडिया? भाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट सबसे पहले कहां पर बनाया गया था भाई? तो शिव समुद्रम में या फिर मणिकरम में या फिर दार्जिलिंग में या फिर शिमला में? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? कुची कुमारी सी बोल रही है, ज्योति कुमारी 18 कहते हैं, चलिए 19 का बताइए भाई। तो भाई पहला आपका लगाया गया था, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। अहिरान प्रवीण अंसारी सी बोल रहे हैं, अशराफुल ए बोल रहे हैं, रावड़ी यादव सी, बहुत बढ़िया भाई सी होगा, दार्जिलिंग में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था बाबू? दार्जिलिंग में। भारत में पहला विद्युत जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहाँ है भाई? उधर। दार्जिलिंग आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, लेकिन आसाम के साइड में, आसाम चले जाइए, सिलीगुड़ी से जाया जाता है दार्जिलिंग, बहुत ही बढ़िया जगह है, पश्चिम बंगाल में है ये। दार्जिलिंग कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। चलिए चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई, लिख लीजिए यहाँ पर, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। चलिए बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में उर्वरक, जहां पर उर्वरक बनाए जाते हैं, खाद बनाए जाते हैं, वेयर इज फर्टिलाइजर फैक्ट्री लोकेटेड इन बिहार भाई? तो आपके ऑप्शन है पटना, बांका, बरौनी, गया। जल्दी से कमेंट करिए भाई, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। बहुत बढ़िया सी, सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। सर आपका क्या नाम है? अमरजीत सिंह नाम है भाई, अमरजीत सिंह नाम है। जल्दी से कमेंट करिए भाई, बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ है? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए भाई। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बरौनी में, बरौनी में। चलिए 20 का सी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर्ष बाबू, राउडी यादव बहुत बढ़िया, नीपू चौहान बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बरौनी। तेल कारखाना भी कहाँ है भाई? बरौनी में ही है, तेल कारखाना भी बरौनी में है, तेल कारखाना, याद रखिए, सब याद रखने वाली चीजें, तेल कारखाना भाई। उर्वरक कारखाना कहाँ पर है? बरौनी में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है? निम्नलिखित कारकों में ये कारक दिए गए हैं, इसमें से कौन सूखे के लिए जिम्मेदार है, सुखाड़ के लिए जिम्मेदार है? विच ऑफ दिस फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्ट? चलिए आपका ऑप्शन है भाई, भूकंप, बाढ़, वर्षा की कमी, सुनामी।
देखिए भाई यहाँ पर भूकंप आएगा तो सूखा तो होगा नहीं, ऑब्वियसली बात है, तो ए गलत हो गया। बाढ़, बाढ़ आएगा तो सूखा होगा क्या, वो तो पूरा गीला हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। वर्षा की कमी, देखिए देखिए यहाँ पर चोर पकड़ा गया भाई, वर्षा की जब कमी होने लगेगी तो वो सूखा का कारण बन सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखिए सुनामी भी, सुनामी आएगा तो भाई बाढ़ ही बाढ़ आएगा, तो यहाँ पर लिख रहे हैं कौन सा सूखे के लिए जिम्मेदार है भाई, तो सुनामी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 21 का सी होगा। चलिए बहुत बढ़िया, इंडियन आर्मी सभी का जवाब बिल्कुल सही है, सराफुल अंसारी डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं आप बताइए। चलिए ज्योति कुमारी सी, चलिए चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वर्षा की कमी होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है, सरदार सरोवर, टेंशन मत लीजिए, सारा चीज का पीडीएफ लिए, जितना भी प्रश्न है इसमें 80 प्रश्न, इसका पीडीएफ आंसर सहित आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, टेंशन की कोई बात नहीं है। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है, सरदार सरोवर आर्टिफिशियल रिजर्वायर इज रिलेटेड टू, इज रिलेटेड टू भाई किससे है भाई, नर्मदा नदी से, गंगा नदी से, दामोदर नदी से, या सतलज नदी से, जल्दी से कमेंट करिए। 21 का सी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बाबू, चलिए जल्दी से कमेंट करिए, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर जल्दी से कमेंट करिए भाई, सरदार सरोवर जल्दी से कमेंट करिए। तो जो सरदार सरोवर बांध है भाई, जलाशय है, जलाशय है, जलाशय वो कहां पर है भाई, नर्मदा नदी में है भाई, नर्मदा नदी से रिलेटेड है, नर्मदा नदी से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देख लेते हैं, चलिए बहुत बढ़िया निपु चौहान बहुत बढ़िया, हर्ष बाबू 22 का बोल रहे हैं सी, सी नहीं होगा, ए होगा नर्मदा नदी, ए होगा नर्मदा नदी। चलिए चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई, जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था, जून 2023 में भाई भारत में कौन सा चक्रवात आया था, जल्दी से कॉमेंट करिए, जून 2023 अभी फिलहाल की ही बात है, भारत में कौन सा चक्रवात आया, विच साइक्लोन हिट इंडिया इन जून 2023, तो भाई बुलबुल, बिपरजॉय, यास, या फिर इनमें से कोई नहीं भाई, ये तो बच्चे बच्चे के जुबान पर है, बच्चे बच्चे की जुबान पर है भाई, 22 का ए, चलिए 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 चलिए, बच्चे बच्चे की जुबान पर है भाई, बिपरजॉय, ऑप्शन नंबर बी, बिपरजॉय चक्रवात अभी तुरंत ही आया था जून में, बिपरजॉय भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बी। चलिए बहुत बढ़िया प्रिया कुमारी न्यू स्टूडेंट, चलिए न्यू स्टूडेंट हो तो आपका स्वागत है, आप सभी से अनुरोध है भाई कि आप सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए अगर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो। चलिए चलिए भारती यादव बहुत बढ़िया, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है भाई, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग कौन है भाई, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग कौन है, द फर्स्ट सेस्मिक वेव टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, कौन है भाई, प्राथमिक, प्राइमरी, या फिर द्वितीय, दीर्घ, या फिर इनमें से सभी, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। सर व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़े, सर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए भाई आप इस नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 70 70 28 15 15। चलिए डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक दे दिया गया है, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं, सारी चीजें जितने भी हम लोग यूट्यूब पर पढ़ाते हैं उन सारी चीजों का पीडीएफ आपको मुफ्त मिलता है भाई, व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। चलिए चलिए इंडियन आर्मी, चलिए भारती यादव ए, भारती यादव ए बोल रही है भाई, भारती यादव, देखिए आप लोग अगर ए बी सी डी ये सब लिख रहे हैं, ए बी सी डी ये सब अगर लिख रहे हैं तो उससे पहले क्वेश्चन का नंबरिंग कर दीजिए, जैसे कि 24 का ए, 25 का ए, ऐसे करके तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कमेंट थोड़ा लेट आ रहा है मेरे पास, ठीक है, उसके लिए आप लोग पहले क्वेश्चन का नंबरिंग दे दीजिएगा। चलिए देखिए पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला सबसे पहला भूकंप कौन था भाई, बताइए सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग कौन है भाई, बताइए जल्दी से कमेंट करिए, ये तो होगा बहुत बढ़िया, चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्राथमिक, प्राथमिक भूकंप भाई, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है भाई, द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज, द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज, जल्दी से कमेंट करिए भाई, आपके ऑप्शन है सार्वजनिक टेलीफोन, बी है मोबाइल, सी है वॉकी टॉकी, या फिर डी रेडियो, बताइए निपुचान 24 है, बहुत बढ़िया ऐसे ही नंबरिंग देकर करिए आप लोग। चलिए बताइए
मैम का क्लास चला है क्या? नहीं ज्योति कुमारी, मैम का क्लास नहीं चला है भाई। मैम गई थी एग्जाम देने, ठीक है, सारे टीचर्स लोग एग्जाम देने गए हुए हैं, उसी की वजह से कोई नहीं है, अभी हम अकेले बच गए हैं भाई। तो आज जितना भी क्लास होगा मैं ही लूंगा, ठीक है। चलिए, अहिरान परवीन यादव, नीपू चौहान भी बोल रहे हैं। चलिए, अहिरान परवीन यादव ए बोल रहे हैं, बताइए। अरेश कुमार डी बोल रहे हैं, बताइए। तो चलिए, लेकिन क्या होगा भाई? नीपू चौहान का उत्तर बिल्कुल सही है, मोबाइल। नीपू चौहान का संचार का सबसे लोकप्रिय साधन भाई मोबाइल है यार। क्या आप लोग बात करते हो, क्या पढ़ते हो बताओ आप लोग? दिन भर तो मोबाइल लेकर घूमना है, मोबाइल से कुछ उपयोगी चीज तो करते हो। संचार का सबसे महत्वपूर्ण साधन भाई मोबाइल ही आज के डेट में है। आज के डेट में कौन है भाई? मोबाइल है। अब सार्वजनिक टेलीफोन कहाँ कहाँ ढूंढोगे बताओ? सार्वजनिक टेलीफोन कहाँ कहाँ ढूंढोगे? ढूंढोगे नहीं मिलेगा जल्दी। वॉकी टॉकी कहाँ मिलेगा? वो तो मतलब वहां पर डिफेंस वाले के पास सब वॉकी टॉकी रह गया है, और रेलवे वालों के पास, रेडियो भी उतना नहीं है। तो सबसे लोकप्रिय कौन हो गया है भाई? मोबाइल हो गया है। तो डी क्यों बोल रहे हो हर्ष बाबू? बहुत बढ़िया सर, डी होगा। डी नहीं होगा भाई, डी नहीं होगा। आज के डेट में मोबाइल है, आज के डेट में मोबाइल हो गया है, बी होगा। ठीक है हरेश कुमार, रेडियो पहले था, रेडियो पहले था भाई। अब आप लोग 2023 में जी रहे हो, 2023 भी तुरंत खत्म होने वाला है भाई। आज के डेट में कौन है भाई? मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल करिएगा। अगर डी करिएगा एग्जाम में तो आपका गलत हो जाएगा, डी करिएगा तो गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में भाई पारित हुआ? इन हुज रीजन द कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पास्ड। तो आपका ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड रिपन, बताइए। जल्दी से बताइए भाई, बहुत ही बढ़िया सवाल है। शिवम राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंडियन आर्मी वर्तमान में, सर्वतमान में है मोबाइल से। चलिए चलिए, हर्ष बाबू सर ये क्वेश्चन 2022 में था, तो 2022 में भी था तो 2022 में मोबाइल ही था। चलो चलिए, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी का जवाब बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लागू शासनकाल पारित हुआ था भाई, ये याद रखिएगा। ये आपका कंपटीशन में भी पूछता है भाई ऐसा सवाल, कंपटीशन लेवल का है आपका, जैसे कि मैट्रिक में भी आएगा, VVI प्रश्न है भाई, आ सकता है, लेकिन कंपटीशन लेवल के लिए भाई ये भी सटीक है भाई, यही सब पूछता है कंपटीशन में भी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से हुई थी बताइए? यूरोप में जब राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी तो कहां से हुई थी? आई होप आप सब राजेश सर के क्लास से जुड़े हो, उन्होंने बहुत ही बढ़िया से समझा दिया था, तो अगर याद होगा तो जल्दी से कमेंट करिए। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से हुई थी? फ्रॉम वेयर डिड द नेशनलाइज स्टार्ट इन यूरोप? आपका ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, रूस या फिर इटली, जल्दी से कमेंट करिए। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से हुई थी? यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से हुई थी बताइए? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर भाई, फ्रांस से हुआ था। सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद कहां हुआ था भाई? फ्रांस से शुरू हुआ था, फ्रांस से शुरू हुआ था, फिर जर्मनी, इटली, ऐसे ऐसे करते करते पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो गया। चलिए चलिए, छोटू आलम जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चलिए अगला देख लेते हैं, और आप सभी से अनुरोध है भाई कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए सत्ताईस का होगा, डी नहीं होगा। राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की? राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द यूनियन ऑफ राइन स्टेट्स? हु फाउंडेड द यूनियन ऑफ राइन स्टेट्स? तो भाई आपके ऑप्शन है बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर बी है नेपोलियन, ऑप्शन नंबर सी है मेजनी या फिर लेनिन, जल्दी से लेनिन, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए हर तो हुआ, 28 का भी बोल रहे हैं, राइन राज की स्थापना किसने की थी भाई? बिस्मार्क, नेपोलियन, मेजनी या फिर लेनिन ने, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से आप सभी कमेंट करिए भाई। चलिए हर्ष बाबू बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, छोटू कुमार बहुत बढ़िया, इंडियन आर्मी ए नहीं होगा, बी होगा बेटा, बी होगा, नेपोलियन ने, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नेपोलियन ने किया था भाई राइन राज्य संघ की स्थापना।
चलिए अगला प्रश्न जल्दी जल्दी कर लेते हैं भाई। अप्रिल थीसिस किसने लिखा? हु रॉट अप्रिल थीसिस? बताइए, रूसो ने या फिर टॉल्स्टॉय ने या फिर लेनिन ने या फिर कार्ल मार्क्स ने? जल्दी से कमेंट करिए, बताइए अप्रिल थीसिस किसने लिखा था? चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर भाई, लेनिन ने लिखा था। अप्रिल थीसिस किसने लिखा था? लेनिन ने लिखा था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब तीसरा देख लेते हैं भाई, खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया भाई? हु फाउंडेड खुदाई खिदमतगार? आपके ऑप्शन है सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर बी खान अब्दुल गफार खान, या फिर के बी हेडगेवार, या फिर राजा राम मोहन राय? बताइए जल्दी से कमेंट करिए भाई। 29 का बी बोल रही है, 29 का बी देख लेते हैं। चलिए हाँ, बहुत बढ़िया, 29 का बी होगा भाई, 29 का ए बी बोल रहा है कोई, सॉरी अरेश कुमार, बहुत बढ़िया। छोटू भारती यादव सी बोल रहे हैं, हर्ष बाबू सी बोल रहे हैं, 29 का सी नहीं होगा भाई, सॉरी सी होगा, लेनिन होगा, टॉल्स्टॉय नहीं होगा, लेनिन होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। चलिए देख लीजिएगा, लेट से आप लोग कर रहे हो भाई, लेट से, बहुत ही लेट से। भारती यादव 30 का बी, बहुत बढ़िया। आर के रावन ऑफिशियल बी। चलिए प्रिया कुमारी बी, चलिए बहुत बढ़िया। आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही है भाई, खान अब्दुल गफार खान, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। खुदाई खिदमतगार किसने लिखा था भाई, गठन किसने किया था, खान अब्दुल गफार खान ने किया था। चलिए, लाला हरदयाल ने इसमें से किसकी स्थापना की? भाई विच ऑफ दिस वाज फाउंडेड बाई लाला हरदयाल? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है गदर पार्टी, बी है स्वराज पार्टी, सी है हिंदू महासभा, या फिर डी है किसान सभा। जल्दी से कमेंट करिए। रवि स्टडी सेंटर 30 का बी, चलिए 30 का बी एक बार देख लेते हैं, भूल जाते हैं हम। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, बी होगा, बहुत बढ़िया। चलिए रवि स्टडी सेंटर 31 का ए। चलिए बहुत बढ़िया भाई, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी भाई, लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना की थी, गदर पार्टी की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गदर पार्टी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, याद रखिएगा आप लोग, 31 का है। चलिए बहुत बढ़िया रवि स्टडी सेंटर, प्रिया कुमारी बहुत बढ़िया, हर्ष बाबू बहुत बढ़िया, भारती यादव। चलिए साम्यवादी गुट का अगुआ कौन था? बताइए अगुआ कौन था, किसने अगुवाई किया था उसका? हु वाज द लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट ग्रुप? भाई तो ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर सी है भाई ब्रिटेन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है चीन। चलिए बताइए जल्दी से कमेंट करिए आप सब बताइए, साम्यवादी गुट का अगुआ कौन था भाई? तो साम्यवादी गुट का अगुआ था ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ। साम्यवादी गुट का अगुआ कौन था भाई? सोवियत संघ था। 32 का भी हर्ष बाबू बहुत बढ़िया, बिरसा कुमार बहुत बढ़िया। चलिए हाँ, थोड़ा सा देर से आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, बी होगा, बहुत बढ़िया। चलिए सर, अगुआ मतलब अगवाई करना, किसने लीडरशिप किया था, लीडरशिप किसने निभाया था, अगवाई किसने की थी। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का भी शादी होता है तो उसमें आप लोग अगुआ कहते हैं कि ये अगुआ है, तो उसका लीडरशिप उन्होंने किया है, दोनों को मिलाया है उन्होंने, सारा काम की व्यवस्था जो होगा, जितना भी चीज, जैसे कि मान लीजिए कि कोई मांग देता है कि मेरे को इतना तिलक चाहिए भाई, तो सारा चीज का अगुवाई कौन करता है, अगुआ करता है। तो इसमें जो साम्यवादी जो गुट की स्थापना हुई थी उसकी अगुवाई किसने की थी, सबसे आगे आगे कौन था भाई, तो सोवियत संघ था, इसकी अगुवाई में साम्यवादी गुट मतलब तैयार हुआ था। समझ में आ गया? चलिए जो थी ओ चलिए देखिए, इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? मार्टिन लूथर इसमें से कौन सा लिखा हुआ है, मार्टिन लूथर का लिखा हुआ कौन सा इसमें है, बताइए। विच ऑफ दीज फॉलोइंग इज वर्क ऑफ मार्टिन लूथर? बताइए, अप्रिल थीसिस, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, या फिर 95 थीसिस, या फिर कॉमन विल? जल्दी से कमेंट करिए।
इसमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? मार्टिन लूथर किंग की कृति कौन है भाई, बताइए। 33 का बिरसा कुमार, मिथुन कुमार ए। चलिए, प्रिया कुमारी सी बोल रही हैं, प्रिया कुमारी सी बोल रही हैं। चलिए, अरेश कुमार बी बोल रहे हैं। चलिए, बी नहीं होगा भाई, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा भाई। 95 थीसिस होगा, ऑप्शन नंबर सी। मार्टिन लूथर किंग की इसमें से कौन सी कृति है भाई? 95 थीसिस। क्या है भाई? 95 थीसिस, 95 थीसिस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? हु पब्लिश द बंगाल गजट? बंगाल गजट की प्रकाशन किसने किया था भाई? बंगाल गजट की बताइए, जेम्स ए हिक्की, मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर? बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए। परमा सिंह, नीपू चौहान। चलिए, 33 का सी। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 95 थीसिस। चलिए बहुत बढ़िया, एमडी मंजर आलम, बहुत बढ़िया मंजर आलम। चलिए बताइए, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? जेम्स ए ही की, मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर? जल्दी से कमेंट करिए आप सभी, जल्दी से कमेंट करिए। बंगाल गजट, जल्दी से कमेंट करिए। बंगाल गजट, बंगाल गजट, बंगाल गजट। चलिए बी, 34 का सी बोल रहे हैं, कोई कोई बी बोल रहे हैं, लेकिन कोई भी ए नहीं बोला। 34 का ए बोले हैं भारती यादव। चलिए बहुत बढ़िया भारती यादव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जेम्स ए हिक्की होगा, ऑप्शन नंबर ए। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था भाई? जेम्स ए हिक्की ने, जेम्स ए हिक्की ने। बहुत ही जबरदस्त सवाल है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, ज्योति कुमारी क्या सोच रही है भाई, क्या सोच रही हैं? अगुआ के बारे में तो नहीं सोच रही अभी तक, अगुआ के बारे में तो नहीं सोच रही आप। यूनान इसमें से किस देश के अधीन था भाई? यूनान इसमें से किस देश के अधीन था? ग्रीस वाज अंडर कंट्रोल ऑफ विच ऑफ दिस फॉलोइंग कंट्रीज? बताइए, यूनान को हम लोग ग्रीस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रीस। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, बी है फ्रांस, सी है ब्रिटेन या फिर डी है तुर्की। चलिए बिरसा कुमार, चलिए जल्दी से आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, जितना हो सके, जितना हो सके उठाकर फेंक दीजिए, इतना दूर कि पूरे बिहार में पहुंच जाए भाई। उठाकर फेंक दीजिए इतना दूर कि पूरे बिहार में पहुंच जाए। 45 डिग्री के एंगल लगाकर फेंकिएगा, ठीक है? चलिए, 35 का ए नीपू चौहान। चलिए मिथुन कुमार, प्रिया कुमारी ए। चलिए रवि स्टडी सेंटर ए, बहुत बढ़िया। सर लॉलीपॉप, मिस्टर स्मार्टी, कौन सा खाइएगा लॉलीपॉप बताइए? जॉली लॉन्चर, जॉली लॉन्चर या फिर खट्टा मीठा? सर सर ब्लू ट्रिक दीजिए ना, बताइए बताइए। यूनान इसमें से किसके अधीन था बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाई। तो जो यूनान था, जो ग्रीस था भाई, वो तुर्की के अधीन था भाई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मिस्टर मंजर आलम, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, तुर्की के भाई, ऑस्ट्रिया के नहीं, तुर्की के। ऑस्ट्रिया कहाँ से ला दिया आप लोग बताइए। और 36 देख लेते हैं, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? नमक कानून तोड़ने के लिए भाई गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना बताइए? साबरमती, सूरत, दांडी या फिर चंपारण? जल्दी से बताइए आप सभी, जल्दी से बताइए भाई। नमक सत्याग्रह के उन्होंने कहा से डांडी से किया था भाई, डांडी से, डांडी से। तो भाई ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नमक कानून तोड़ने के लिए भाई नमक सत्याग्रह चलाया था उन्होंने, डांडी मार्च किया था, डांडी से। कौन सा जगह चुना था भाई? डांडी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलिए, मिथुन कुमार सी, बहुत बढ़िया निपु, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया मिस्टर स्मार्टी, वही तो मैंने बोला खट्टा मीठा 1 रुपया वाला। चलिए 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 चलिए, बहुत खाया है भाई बचपन में। देखिए यहाँ पर, समाजवादियों की बाइबिल, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? विच इज द कॉल्ड बाइबल ऑफ
सोशलिस्ट, बताइए भाई, दास कैपिटल, अपरिंथिसिस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट या फिर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बताइए। समाजवादियों की बाइबिल, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है भाई? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। बहुत ही आसान सवाल है भाई, बहुत ही आसान सवाल है। दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। 36 का सी बोल रहे, 36 में ही अटके हुए हैं। 37 का है रवि स्टडी सेंटर, 37 का है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भाई सिंगापुर जो था, वो भी मतलब कि किसी न किसी कंट्री का अधीन होगा, वो भी अस्वतंत्र था भाई, तो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उसका उदय कब हुआ भाई, बताइए। आपके ऑप्शन है 1945, 1965, 1975 या फिर 1955। जल्दी से कमेंट करिए। 37 का ए, बहुत बढ़िया। रवि स्टडी सेंटर अभिनंदन यादव, बहुत बढ़िया। बताइए बताइए, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए भाई, जल्दी से कमेंट करिए, बताइए। देखिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1965। स्वतंत्र रूप के राष्ट्र में सिंगापुर का उदय कब हुआ था भाई? 1965 में हुआ था। 38 का ए नहीं होगा भाई, बी होगा। एमडी मंजर आलम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एमडी मंजर आलम, मोहम्मद मंजर आलम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था भाई? विच नेशन वॉज नॉट प्रेजेंट इन द वियना कांग्रेस? तो बताइए, आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, जर्मनी, रूस या फिर फ्रांस। जल्दी से कमेंट करिए भाई, जल्दी से कमेंट करिए, बताइए। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था भाई? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? मनीष राज, 1965, बहुत बढ़िया। तो वियना कांग्रेस में भाई ब्रिटेन, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस या फिर फ्रांस कौन नहीं शामिल था, बताइए जल्दी से कमेंट करिए भाई। तो आपका ब्रिटेन तो शामिल था, रूस भी शामिल था, फ्रांस भी शामिल था, लेकिन ये जो जर्मनी है भाई, जर्मनी जो है ये शामिल नहीं था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए 39 का ए बोल रहे हैं भाई, ए नहीं होगा, ब्रिटेन शामिल था भाई, जर्मनी शामिल नहीं था। चलिए साजन कुमार बी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज्योति कुमारी डी बोल रही है, बताइए। तो बी होगा, डी नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ये आपका हाफ है, हाफ क्वेश्चन खत्म हो गया, यानी कि 40 क्वेश्चन खत्म हो गए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की भाई? हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक? ऑप्शन नंबर ए है भाई एम एन राय, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है लाला हरदयाल या फिर डी है चित्तरंजन दास, बताइए जल्दी से। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था भाई, बताइए जल्दी से। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था भाई, बताइए जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए आप सब। चलिए देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है भाई सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। 40 का बी होगा, सी नहीं होगा। प्रिया कुमारी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था भाई? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, आप सबको क्या हो गया भाई, क्या हो गया, आप लोग गलत गलत आंसर बोल रहे हैं, बताइए। मोनाली मौर्य, बहुत बढ़िया मोनाली मौर्य। देखिए तो मेरी बच्ची एक है मोनाली मौर्य, बहुत बढ़िया जवाब दी है मोनाली मौर्य, बी। चलिए चलिए बी, सुभाष चंद्र बोस भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया मोनाली मौर्य। एमडी मंजर आलम, देखिए डी बोलकर फिर बी बोल रहे हैं। चलिए, बंबई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन हुआ था? देखिए ये बोल रहे हैं एक, 38 का डी होगा, अरेश कुमार। चलिए देख लेते हैं एक बार, सिंगापुर का उदय एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, नहीं भाई सही है भाई, सही है सही है, 1965, 9 अगस्त 1965 भाई, बताइए।
आप लोग मेरे को ही कंफ्यूज कर देते हो, बताओ डी नहीं होगा भाई, बी होगा, 1965 होगा, 1965 होगा भाई, बताओ सही है। 38 का बी होगा भाई, बी बी इज द राइट आंसर, 38 का बी होगा। क्या करते हो तुम लोग बताओ, बताओ यहां पर बंबई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन हुआ, बताइए। विच टू स्टेट्स वेयर फॉर्मेड बाई डिवाइडिंग बॉम्बे स्टेट, बताइए। महाराष्ट्र और गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। जल्दी से कमेंट करिए भाई, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, या फिर महाराष्ट्र और गोवा, बताइए जल्दी से। बंबई राज्य का विभाजन करके दो राज्यों को गठन किया गया था, कौन कौन, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए भाई, जल्दी से कमेंट करिए, तब तक मैं पानी पी ले रहा हूँ, थोड़ा सा मुंह सूख गया। चलिए चलिए रुपेश, क्रिकेट शॉट अभी अभी आया लग रहा है, भारती यादव, चलिए चलिए चलिए। देखिए बंबई राज्य का विभाजन भाई कर किन दो राज्यों का गठन हुआ, तो आपके ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सभी बच्चों का सही जवाब है, सही जवाब है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र और गुजरात भाई, बंबई राज्य को दो राज्यों में बांटा गया 1960 ईस्वी में, कब भाई, 1960 ईस्वी में इसका विभाजन हुआ था, 1960 ईस्वी में बांटा गया था, महाराष्ट्र और गुजरात के रूप में, महाराष्ट्र और गुजरात के रूप में। चलिए 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 बहुत बढ़िया, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भाई, बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं, बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं, बताइए। 10, 19, 12 या फिर 14, बताइए जल्दी से कमेंट करिए। बिहार में कुल कितने नगर निगम, बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं, नगर निगम, नगर निगम बताइएगा, नगर पंचायत मत बोल दीजिएगा, नहीं मुझे कुछ नहीं आता, बताइए मिस्टर स्मार्टी, क्यों नहीं आता भाई, देखिए देखिए ये सब लड़ रही है अपने में, लड़ रही है ये सब, बताइए लड़ाई चालू, थोड़ा सा पानी पीने कैसे लगे कि लड़ाई चालू हो गया। बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं, बताइए। 10, 19, 12 या फिर 14, बहुत ही आसान सवाल है भाई, बहुत ही आसान सवाल है, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाई, 19, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, 19 होगा, 19 नगर निगम में विभाजित किया गया है बिहार को, ठीक है भाई, जिसमें से एक तो पटना ही हो गया, सासाराम हो गया भाई, सासाराम पटना, ठीक है, और बहुत सारे हैं, चलिए मुजफ्फरपुर भी नगर निगम ही है। चलिए चलिए देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, राज्य पूर्ण गठन आयोग की स्थापना कब हुई, राज्य पूर्ण गठन पुनर्गठन सॉरी राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, वेन वाज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इस्टैब्लिश्ड भाई, तो 1950, 1952, 1953 या फिर 1954, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, 42 का भी बहुत बढ़िया, 42 का भी बहुत बढ़िया। चलिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, बताइए जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए भाई। देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना भाई 1953 में हुआ था, 43 का डी बोल रहे हैं, डी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 1953 में, 1953 में। चलिए राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1953 ईस्वी में हुआ था, समझ गए,
मिस्टर स्मार्टी सी, बहुत बढ़िया। साधन कुमार ए बोल रहे, ए नहीं होगा सी होगा। मिस्टर स्मार्टी, मैं अब सब का जवाब दूंगा सबसे आगे। लगता है चीटिंग करके आ गए हैं। चीटिंग चीटिंग चीटिंग, बताइए। भारती यादव सिंह, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न क्या हुआ। चलिए, चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? हु मेक्स इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट? बताइए, चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है भाई? तो निर्वाचन आयोग, क्षेत्रीय दल, सत्तारूढ़ दल या फिर विपक्षी दल? बताइए, चुनाव आचार संहिता का निर्माण, बताइए जल्दी से कमेंट करिए भाई, जल्दी से कमेंट करिए भाई। तो आचार संहिता कौन लागू करता है भाई? तो वही निर्वाचन आयोग जो चुनाव को करवाता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर, इलेक्शन कमीशन भाई। इलेक्शन कमीशन जो चुनाव करवाएगा वही आचार संहिता का निर्माण भी करवाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया रुपेश क्रिकेट शॉट, बहुत बढ़िया। प्रिया कुमारी, ज्योति कुमारी, मिस्टर स्मार्टी, बहुत बढ़िया। सबसे पहला जवाब है भाई मिस्टर स्मार्टी का, बताइए। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए अगला प्रश्न है भाई। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं भाई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन बिहार आर, भाई बताइए कैसी है, किस प्रकार की है बिहार में पंचायती राज संस्थाएं? एक स्तरीय है या फिर दो स्तरीय या फिर तीन स्तरीय या फिर चार स्तरीय? जल्दी से कमेंट करिए भाई, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए भाई। तो बिहार में पंचायती राज संस्थाएं तीन स्तरीय होते हैं, त्रिस्तरीय, तीन स्तरीय। तो जब आपका ऑप्शन है भाई सी में, सी में दिया हुआ है तीन स्तरीय, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तीन स्तरीय होगा भाई। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कैसी हैं? तीन स्तरीय हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आंग सान सू की, आंग सान सू की एक चीनी यात्री थे भाई, किस देश की नागरिक, किस देश के नागरिक हैं भाई? आंग सान सू की इज सिटीजन ऑफ विच कंट्री? बताइए, म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश? सॉरी, आंग सान सू की बताइए कहाँ के हैं, बताइए जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए है म्यांमार, बी है नेपाल, सी है भूटान या फिर डी बांग्लादेश? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए भाई। 46 का है रुपेश क्रिकेट शॉट, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए होगा म्यांमार के भाई। म्यांमार, म्यांमार ये उधर ही है, मतलब कि वाले आंग सान सू की कहाँ के हैं भाई? म्यांमार के हैं। चलिए 46 का है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चले, इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? बताइए, इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? ऑन विच ऑफ दीज आर, ऑन विच ऑफ दीज द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स? बताइए, जातिवाद, निष्पक्ष चुनाव, अलगाववाद या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट करिए भाई, जल्दी से कमेंट करिए। इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है भाई? लोकतंत्र का भविष्य, लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब जनता का, जनता द्वारा शासन होता है भाई, जिसमें सर्वोपरि जनता ही है, वो मतदान करती है भाई, तो उसमें जातिवाद आ जाएगा, तो इस पर तो भविष्य नहीं भाई। जाति के आधार पर अगर लोग वोट देने लग गए तो ये गलत बात है, लोकतंत्र का भविष्य बहुत ही गलत हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, 47 छूट गया। अच्छा चलिए ठीक है, इसके बात करवा दे रहे हैं 47। चलिए चलिए मिथुन कुमार, कोई नहीं कोई नहीं, 47 करवा देंगे। देखिए 47 का आंसर भी दे दिए मिथुन कुमार, बताइए। तो देखिए, जातिवाद तो नहीं होगा भाई, अलगाववाद, देखिए अलगाववाद भी नहीं होगा, लेकिन इनमें से एक है निष्पक्ष चुनाव। निष्पक्ष, किसी के पक्ष में नहीं, लोग जिसको चाहे उसको वोट दे सकते हैं, ऐसा चुनाव होगा तो भाई लोकतंत्र का भविष्य बहुत ही अच्छा होगा भाई, बहुत ही बढ़िया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 47 का बी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, नहीं होगा। चलिए 47 देख लेते हैं। चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? बताइए, चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ चिली? बताइए, मेरी रॉबिन्स, किम कैंप बेल, लॉरा चिंचिला या फिर मिशेल बोचेविलेट? बताइए, बताइए इनका नाम तो कैसा है, कैसे याद रखिएगा आप लोग? बताइए, मैरी रॉबिन्स, किम कैंप बेल, लॉरा चिंचिला या फिर मिशेल बेचेलेट? बताइए तो जल्दी से, 47 नंबर छूट गया था मिस्टर स्मार्टी। 47 का डी, निधि बोस। चलिए चलिए 47 का बी भारती, 47 का ए रुपेश। बताइए, ए बी सी डी सब बोल दीजिए आप लोग, सब बोल दीजिए। बताइए,
देखिए चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी भाई मिशेल बोचे लेट है। कौन थी? मिशेल बोचे लेट। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रहने दो स्मार्टी, पता चल गया। चलिए चलिए लड़ाई मत करिए आप लोग। 49वां प्रश्न देख लेते हैं भाई। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है भाई? लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द लोकसभा? भाई भारत की बात कर रहा है, भारत की बात हो रही है, दूसरे देश की बात नहीं हो रही है। तो कितना है भाई लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या? 540, 543, 545 या फिर 550? बहुत ही आसान सवाल है, ये नहीं पता होगा तो आपके जिंदगी पर भाई क्या बताएं, जिंदगी ही आप लोग की खराब है, खतरे में है। बताइए 49 का 20 रुपेश क्रिकेट शॉट 49 का 20। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रिया कुमारी, भारती यादव, बहुत बढ़िया। साजन कुमार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 543 लोकसभा की सीटें हैं, तो जितनी सीटें होंगी उतने सदस्य होंगे। जितनी सीटें रहती हैं भाई एक सीट के लिए, एक सदस्य, तो 45 सीटों के 300, 543 सीटों के लिए 543 सदस्य। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है चलिए, इनमें से कहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है बताइए? इसमें से कहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? विच ऑफ दिस इज अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी भाई? स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, भारत, चीन? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। करण चौधरी जी, न्यू स्टूडेंट। चलिए न्यू स्टूडेंट है तो आप सभी का स्वागत है भाई, आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई और बेल आइकॉन को भी आप सभी दबा दीजिए, और जितना हो सके शेयर कर दीजिए भाई, शेयर कर दीजिए आप सभी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है चलिए चलिए, 50 का ये बोल रहे हैं, इनमें से कहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है भाई? चलिए रुपेश क्रिकेट शॉट ए, बहुत बढ़िया। ज्योति कुमारी, जल्दी से कमेंट करिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अशराफुल अंसारी, अशराफुल अंसारी, चलिए। साजन सी बोल रहे हैं, मिथुन कुमार ए, बहुत बढ़िया। देखिए स्विट्जरलैंड में भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इनमें से कहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है भाई? स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। अशराफुल अंसारी सी बोल रहे हैं, भारत नहीं होगा भाई, भारत नहीं होगा। कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोल रहा है, अप्रत्यक्ष, भारत में अप्रत्यक्ष है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष है। ठीक है, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है बताइए? ग्राम पंचायत इज फॉर्मेट बेस्ड ऑन व्हाट पॉपुलेशन? तो भाई आपका ऑप्शन नंबर ए है 5,000, 5,000, 10,000, 7,000 या फिर 15,000? बताइए ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत का कितनी जनसंख्या? जैसे कि 1.5 से 2.5 लाख होगा तो भाई नगर परिषद हो जाता है ना, मतलब वैसे ही वहां की कितनी जनसंख्या हो, गांव की कितनी जनसंख्या हो कि ग्राम पंचायत घोषित हो जाए बताइए? 5,000, 10,000, 7,000 या फिर 15,000? जल्दी से कमेंट करिए। 51 का सी, सी, सी। देखिए तो कितनों बच्चों ने बता दिया। चलिए रुपेश क्रिकेट शॉट, बहुत बढ़िया। सोनू सिंघानिया, बहुत बढ़िया भाई। अंकित पटेल, अंकित पटेल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीरज एडिटर, मोनाली मौर्या बी बोल रहे हैं, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा भाई, बी नहीं होगा, सी होगा, बी नहीं होगा, सी होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 7,000, 7,000 होगा भाई। कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन होता है भाई? 7,000 जनसंख्या पर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अंकित पटेल भी बोल रहे हैं, भी मतलब क्या होता है? भी मतलब वोडाफोन। 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने की बताइए? 1975 में जब आपातकाल लागू हुआ था भारत में, उसकी घोषणा किसने की थी भाई? हु डिक्लेयर्ड द इमरजेंसी ऑफ 1975? तो भाई जनता पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने? जल्दी से कमेंट करिए। 1975 का आपातकाल की घोषणा किसने किया था? 1975 का आपातकाल का घोषणा किसने किया था बताइए भाई? 1975 के आपातकाल की घोषणा ऑब्वियस सी बात है भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी, सबसे बड़ी पार्टी यही थी उस समय। सबसे बड़ी पार्टी कौन थी भाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है, बताइए पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है, हु एडमिनिस्ट्रेट द होल डिस्ट्रिक्ट, बताइए सरपंच, महापौर, जिला दंडाधिकारी या फिर सत्र न्यायाधीश, बताइए बताइए जल्दी से कमेंट करिए। अंकित कुमार, रुपेश, क्रिकेट शॉट, 52 का भी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 52 का भी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए 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 बताइए, पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है भाई, सरपंच, महापौर, जिला दंडाधिकारी, सत्र न्यायाधीश, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए भाई, बताइए। 53 का सी, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, रुपेश, क्रिकेट शॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया रुपेश, बहुत बढ़िया करण, चलिए चलिए, साजन कुमार, भारती, मोनाली मौर्य, डीएम डीएम, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जिला दंडाधिकारी भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भाई, जिला दंडाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए 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 सर, भारत कब आजाद हुआ? अरे भाई बताओ, जिंदगी पे लालत है यार तुम्हारे, तुम भारत के हो कि नहीं बताओ तो, भारत कब आजाद हुआ, ये कौन सा सवाल हुआ भाई, ये तो बच्चे बच्चे के मुंह पर रहता है भाई, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, क्या बात करते हो भाई तुम लोग, क्या बात कर देते हो, एकदम गुस्सा दिला देते हो, बताओ भारत कब आजाद हुआ था। अरे भाई धन्य है आप प्रभु, धन्य है तनु भारती, धन्य हो आप, 15 अगस्त को लेकर झंडा चले जाते हो आप लोग, स्कूल में मिठाई खाने लग रहा है, ये मिठाई खाने वाला बच्चा है, भंडारे का हलवा पूरी खाने वाला बच्चा लग रहा है ये, बताइए ऐसा सवाल पूछ देते हो। चलिए देश के बारे में जानो, 10th क्लास में चले गए आप सब, बताइए नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ, नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ, वेन डिड द मोमेंट फॉर द रिटर्न ऑफ डेमोक्रेसी टेक प्लेस इन नेपाल, बताइए। देखिए तो अशराफुल अंसारी पागल है, पागल नहीं है लेकिन पता नहीं क्या हो गया है आजकल के बच्चे को, बताइए जिस देश में रहते हैं वो कब आजाद हुआ ये ही नहीं पता है, बताइए आप सब। चलिए 54 का डी बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है डी, रुपेश, क्रिकेट शॉट, चलिए चलिए डी नहीं होगा जी, सोनू सिंघानिया सी, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 2006 में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 2006 में हुआ था भाई, नेपाल में लोकतंत्र वापसी का आंदोलन कब हुआ था, 2006 ईस्वी में, चलिए 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 डी नहीं होगा सी होगा। चलिए जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ, जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ भाई, वेयर डिड द स्ट्रगल अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर सप्लाई टेक पैलेस, बताइए जल्दी से कहाँ हुआ था भाई, नेपाल में, बोलिविया में, बांग्लादेश में या फिर बेल्जियम में, बताइए जल्दी से। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से बताइए, थोड़ा सा आप लोग का कमेंट देखने में लेट हो जा रहा है भाई, आप लोग थोड़ा लेट से कमेंट कर रहे हो, नहीं तो अब तक तो खत्म करा देते पूरा क्वेश्चन, कमेंट में ही लेट हो जा रहा है, बताइए। 55 का डी, बताइए जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ था भाई, बताइए नेपाल, बोलिविया, बांग्लादेश या फिर बेल्जियम, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए भाई, बताइए। 55 का भी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करण कुमार, डी नहीं होगा बी होगा, बहुत बढ़िया, देखिए तो बहुत बढ़िया। चलिए मिथुन कुमार, रुपेश, क्रिकेट शॉट, चलिए बहुत बढ़िया रुपेश, क्रिकेट शॉट, मिथुन कुमार, डी नहीं होगा बी होगा, बोलिविया में, कहा हुआ था भाई, बोलिविया में, बेल्जियम में नहीं बोलिविया में। चलिए विंग एवं टोरी, विंग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है, विंग एवं टोरी नामक राजनीतिक दल, ये दो राजनीतिक दल है इनका संबंध किस देश से है, बताइए, विंग एंड टोरी पॉलिटिकल पार्टीज आर रिलेटेड टू विच कंट्री भाई, यूगोस्लाविया, उत्तरी आयरलैंड, मैक्सिको या फिर ब्रिटेन, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए भाई, जल्दी से कमेंट करिए। मोनाली मौर्य सर क्लियर नहीं दिख रहा है, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो
तो आप क्या करिए कि थोड़ा सा अपना क्वालिटी बढ़ा दीजिए, क्वालिटी बढ़ा दीजिए तो क्लियर दिखने लगेगा। भारती यादव शेखपुरा जिला से, शेखपुरा जिला से भाई, ह्यूइंग और टोरी नामक राजनीतिक दल शेखपुरा जिला से था, बताइए। भारती यादव 56 का सी, 56 का सी, सी 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 सी। चलिए सोनू सिंघानिया बहुत बढ़िया, मिथुन कुमार, मिथुन कुमार बहुत बढ़िया, सोनू सिंघानिया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्रिकेट शॉट रुपेश, चलिए राजमुनि देवी, सोनू सिंह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होगा भाई ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। कहां से था भाई? ब्रिटेन से था। कहां से था भाई? ब्रिटेन से था। विंग एवं टोरी कहां से रिलेटेड था भाई? ब्रिटेन से। चलिए जल्दी जल्दी अब करवाएंगे भाई, आप लोग बहुत लेट से आंसर दे रहे हो। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ? पहले महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद होने लगा। तो वो कब से होने लगा भाई? 1873, 1918, 1928 या फिर 1945? बताइए जल्दी से, कमेंट करिए जल्दी से, कमेंट करिए भाई जल्दी से, कमेंट करिए जल्दी से, कमेंट करिए। चलिए बताइए। चलिए 57 का भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज्योति कुमारी, करण कुमार, रूपेश, क्रिकेट शॉट, मोनाली मौर्य, डी सी बोल रही हैं। सी नहीं होगा, बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1918, 1918 ईस्वी, 1918 ईस्वी से इंग्लैंड में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार हो गया था। चलिए अगला प्रश्न जल्दी से कर लेते हैं भाई। इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है? बताइए, दोहरी सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान का सर्वोच्चता या फिर इनमें से सभी? जल्दी से कमेंट करिए भाई। तो संघात्मक शासन, संघात्मक शासन का क्या विशेषता है भाई? दोहरी सरकार भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, संविधान की सर्वोच्चता भी है भाई। तो तीनों सही हो जाएगा, तो आपका डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से सभी, ये तीनों क्या है भाई? संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं। चलिए 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 शुभम कुमार, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? बताइए, पटना नगर निगम में कितने वार्ड है भाई? हाउ मेनी वार्ड आर देयर इन पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? 45, 48, 53 या फिर 75? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, बताइए। पटना नगर निगम है, 58 का डी, डी 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 डी। चलिए बहुत बढ़िया, बताइए। 59 का भी आपका हो जाएगा भाई, 59 का भी आपका डी ही होगा, 59 का भी क्या होगा? डी होगा भाई। 75 है भाई, 75, 75 वार्ड से है। चलिए साजन कुमार ए बोल रहे हैं, नहीं ए नहीं होगा। रुपेश, क्रिकेट शॉट बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अविनाश कुमार बहुत बढ़िया, भारती यादव, करण बहुत बढ़िया, मिथुन कुमार ए नहीं होगा, डी होगा। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, बीजेपी का स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुआ था भाई? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, कांशीराम या फिर अजीत सिंह? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए भाई, ये आप लोग के मुंह पर होना चाहिए। साठ का है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुपेश, क्रिकेट शॉट बहुत बढ़िया, अटल बिहारी वाजपेयी होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनके अध्यक्षता में हुई थी भाई? अटल बिहारी वाजपेयी की स्थापना में, किसके स्थापना में? अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? वेन वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्मेड? बताइए 1950, 1952, 1954 या फिर 1956? बताइए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए भाई, जितना हो सके शेयर कर दीजिए। और नए नए जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं वे सारे के सारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ठीक है? चलिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? बताइए 1950, 1952, 1954 या फिर 1956? जल्दी से कमेंट करिए, बताइए जल्दी से कमेंट करिए भाई। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ था 1952 में हुआ था, 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करण कुमार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुपेश, क्रिकेट शॉट, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? विच ऑर्गेनाइजेशन
कैलकुलेट्स नेशनल इनकम इन इंडिया है। बताइए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है भाई? नीति आयोग, योजना आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन? बताइए जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, बताइए। चलिए अविनाश कुमार, अविनाश कुमार सी बोल रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। क्रिकेट शॉट 62 का बी बोल रहे हैं, बी नहीं होगा सी होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सेंट्रल सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई, y बराबर c प्लस आई में क्या है? वॉट इज इन y बराबर c प्लस आई? बताइए आय है, निवेश है, उपभोग है या फिर ब्याज है? बताइए जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, बताइए बताइए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्याज है। क्या है भाई? ब्याज है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न, इसमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है? Which of these is not included in net national product? बताइए इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है भाई? बीमा का व्यय, मूल्यह्रास, कच्चे माल की कीमत या फिर इनमें से सभी? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। 63 का डी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है भाई? तो बीमा का व्यय, मूल्यह्रास, कच्चे माल की कमी या फिर इनमें से सभी? जल्दी से कमेंट करिए। चलिए 64 का डी, बहुत बढ़िया भारती यादव, करण कुमार। चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 64 का डी, रुपेश क्रिकेट शॉट। चलिए बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न देख लेते हैं, खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? माइनिंग इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ दिस फॉलोइंग सेक्टर्स? भाई तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या फिर इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई, तृतीय क्षेत्र में। चलिए जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, इसका सारे चीज का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है? चलिए चलिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? इन विच इकोनॉमी पब्लिक वेलफेयर इज इम्फेसाइज्ड? भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से, किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? बताइए जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। देखिए भाई, किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है भाई? तो समाजवादी में, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, समाजवादी में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है? विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज रिम्यूनरेशन ऑफ कैपिटल? बताइए लगान, मजदूरी, ब्याज या फिर लाभ? चलिए जल्दी से कमेंट करिए, इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है? बताइए लगान, मजदूरी, ब्याज या फिर लाभ? अगर हम लोग पूंजी लगाते हैं तो लाभ के रूप में क्या मिलता है भाई? सॉरी परिश्रम के रूप में क्या मिलता है? पारिश्रमिक के रूप में क्या मिलता है भाई? कैपिटल के रूप में लाभ मिलता है भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मान लीजिए कोई भी पूंजी लगाए तो हम लोग सोचेंगे कि लाभ हो, क्या हो भाई? लाभ हो। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है? इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है? विच ऑफ दीज फ्लोइंग इज अ सोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस? बताइए महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार या फिर शाकाहारी बैंक? सहकारी बैंक, शाकाहारी बोल दिए, बताइए। 67 का डी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सोनू सिंघानिया बहुत बढ़िया, रुपेश क्रिकेट शॉट, चलिए बहुत बढ़िया। ज्योति कुमारी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है? बताइए महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार या फिर सहकारी बैंक? बताइए जल्दी से कमेंट करिए।
सिंघानिया डी, 68 का डी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई करण कुमार, रुपेश क्रिकेट शॉट। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और जितने भी बच्चे नए नए जुड़ रहे हैं भाई, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर ऐसे ही कंटेंट आप लोग चाहते हैं। चैनल को क्या कर लीजिए भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, रेशमा खातून सी, सी नहीं होगा भाई, रेशमा सी नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया, डी होगा, डी होगा। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, सहकारी बैंक होगा भाई। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भाई, भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करता है? भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करता है? व्हाट टाइप ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स डज इंडियन कैपिटल मार्केट प्रोवाइड भाई? तो अल्पकालीन, मध्य अवधि, दीर्घकालीन या फिर इनमें से सभी, बताइए। भारतीय पूंजी बाजार, भारतीय पूंजी बाजार बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए भाई। भारतीय पूंजी बाजार, चलिए करण पासवान जी सॉरी सर, हम चले गए थे मार्केट में, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। साजन कुमार न्यू है, न्यू है तो भाई आपका स्वागत है, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा भाई, और सेशन को एक बार जितना हो सके आप लोग शेयर कर दीजिए। ये आपको हम करा रहे हैं मॉडल पेपर 2024 का प्रश्न, सोशल साइंस का। चलिए चलिए, सी 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 नहीं होगा, ए होगा भाई, अल्पकालीन, अल्पकालीन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारतीय पूंजी बाजार में अल्पकालीन ऋण दिया जाता है भाई, वित्तीय संसाधन प्रदान कैसे होता है भाई, अल्पकालीन होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है? बताइए, सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, बताइए जल्दी से। ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है बताइए? मान लीजिए कृषि के लिए या फिर कोई ग्रामीण विकास के लिए अगर कोई ऋण लेता है, कोई लेता है मतलब ऋण, ऋण का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है, लोन, लोन लेता है, तो जो लोन देने वाले जो भी संस्था होती है उसको कौन देता है भाई, उसको ऋण, उसको वित्त की आपूर्ति यानी पैसे की आपूर्ति कौन करता है बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए। चलिए करण कुमार बहुत बढ़िया, पासवान जी डी बोल रहे हैं, डी नहीं होगा भाई, सी होगा, नाबार्ड करता है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नाबार्ड करता है, कौन करता है भाई, नाबार्ड। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? वेन डिड कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट इन इंडिया बताइए, 1901, 1904, 1912 या फिर 1915? रौनक कुमार, 12 चैप्टर मैथ का VVI क्वेश्चन सब्जेक्टिव बताएं, ठीक है, तो आज तो अभी सोशल साइंस हो रहा है, शाम में मैथ होगा, शाम में आज मैथ होगा, आप लोग जुड़ जाइएगा, शाम में मैथ होगा, इसका नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाएगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए बताइए, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था भाई, 1901 में, 1904 में, 1912 में या फिर 1915 में, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए बी, 71 का बी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, रुपेश क्रिकेट हो सोनू सिंघानिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1904 में, 1904 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, विकसित देशों के कार्य कार्य बल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है बताइए? आपके ऑप्शन है कृषि क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या फिर इनमें से कोई नहीं बताइए। विकसित देशों के कार्य बल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है बताइए जल्दी से? कृषि क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या फिर इनमें से कोई नहीं, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए भाई। विकसित देश, विकसित देश बताइए, विकसित देशों में कार्यबल, 72 का सी, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया भाई, रुपेश क्रिकेट शॉट बहुत बढ़िया, चलिए चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सर्विस सेक्टर भाई, सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो भी विकसित देश हैं वे लोग सर्विस सेक्टर में ज्यादा कार्यरत रहते हैं। चलिए सब्जेक्टिव 12 चैप्टर मैथ का VVI क्वेश्चन सब्जेक्टिव बताइए सर, अभी यार SST का क्लास हो रहा है, आप सब्जेक्टिव पूछ रहे हो, मैथ का बताइए, मैथ का शाम में होगा, मैथ का शाम में होगा, ये मैंने बता दिया, शाम में आप लोग जुट जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई?
वेन वाज द न्यू इकोनॉमिकल सॉरी इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंटेड इन इंडिया भाई, 1975, 1982, 1991 या फिर 1995। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए भाई। बताइए भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी भाई? तो 1991 में की गई थी। कब की गई थी? 1991 में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया था भाई भारत में? 1991 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बताइए। प्रिया कुमारी सी, सी बहुत बढ़िया प्रिया, बहुत बढ़िया। डी नहीं होगा भाई, सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादों के प्रमाणन के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विच स्टैंडर्ड सिंबल इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सर्टिफिकेशन? बताइए ISI मार्क, एक मार्क, हॉल मार्क या फिर इनमें से सभी। बताइए जल्दी से, कृषि उत्पादक के प्रमाणन के लिए, बताइए कृषि उत्पादन के प्रमाणन के लिए कौन सा मार्क दिया जाता है भाई? ISI मार्क, एक मार्क, हॉल मार्क या फिर इनमें से सभी। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से आप सभी कमेंट करिए कृषि के लिए भाई। तो कृषि के लिए भाई ISI नहीं होता है, एक मार्क होता है, हॉल मार्क भी नहीं होता है भाई, हॉल मार्क तो सोना के लिए होता है, तो एक मार्क होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एक मार्क दिया जाता है, AG मार्क। चलिए 74 का भी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रीति कुमारी बहुत बढ़िया, सोनू सिंघानिया रिक्वेस्ट क्रिकेट शॉट बहुत बढ़िया, भारती यादव बहुत बढ़िया, करण कुमार बहुत बढ़िया, अंजू कुमारी। चलिए चलिए चलिए, मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल? बताइए मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है? भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर इनमें से सभी। बताइए जल्दी से कमेंट करिए। मानव पूंजी का प्रमुख घटक भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर इनमें से सभी भाई। 75 का डी रूपेश क्रिकेट शॉट बहुत बढ़िया भाई, इनमें से सभी होगा, भोजन भी है, स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है। मानव के पास जो पूंजी होती है भाई वो किसके लिए होती है भाई? भोजन के लिए होती है, जो भी पूंजी हम लोग जुटाते हैं भोजन के लिए जुटाते हैं भाई, स्वास्थ्य के लिए जुटाते हैं, कोई भी मतलब रोग वोग हो जाता है तो भाई उसके लिए भी हम लोग पैसा जुटाते हैं, शिक्षा के लिए हमारे पास पूंजी होती है। तो प्रमुख घटक कौन है भाई? तीनों है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? पेन बाज जवाहर रोजगार योजना फर्स्ट इंप्लीमेंटेड, बताइए 1980, 1989, 1997 या फिर 2004। जवाहर रोजगार योजना कब लागू किया गया था? जल्दी से कमेंट करिए भाई, जल्दी से कमेंट करिए, जवाहर रोजगार योजना कब लागू किया गया था बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1989 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 76 का डी बोल रहे हैं, डी नहीं होगा बी होगा। सोनू सिंघानिया बहुत बढ़िया, रुपेश क्रिकेट शॉट डी नहीं होगा बी होगा, करण कुमार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, HDI मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है इसको, मानव विकास सूचकांक कब शुरू की गई? वेन वाज HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंट्रोड्यूस्ड? बताइए कब शुरू किया गया, 1980, 1990, 1970 या फिर 1960। बताइए HDI कब शुरू किया गया, बताइए जल्दी से कमेंट करिए। रुपेश क्रिकेट सर सॉरी सर, चलिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं, गलतियों से सीखा करते हैं। चलिए रुपेश क्रिकेट सर 77 का भी, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी 1990 में। HDI मानव विकास सूचकांक कब शुरू किया गया था भाई? 1990 में शुरू किया गया था, बहुत बढ़िया। प्रीति कुमारी, करण कुमार बहुत बढ़िया, मोनाली मौर्य बहुत बढ़िया, छोटू खान बहुत बढ़िया। देखिए छोटू खान पूछ रहे हैं विक्रमगंज से कौन कौन है, चलिए देखिए सोनू सिंह, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई, और दो तीन प्रश्न है, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है भाई?
प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर का एक्टिविटी कौन नहीं है? वानिकी यानी फॉरेस्ट्री, या फिर मछली पालन यानी फिशरीज, या फिर विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग, या फिर पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री? बताइए जल्दी से, कमेंट करिए जल्दी से, कमेंट करिए आप सब। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है बताइए? तो 78 का सी रुपेश क्रिकेट, बहुत बढ़िया भाई। विनिर्माण होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैन्युफैक्चरिंग होगा भाई, प्राथमिक सेक्टर का ये नहीं है। ये तीनों प्राइमरी सेक्टर है, प्राथमिक है वानिकी, मछली पालन, पशुपालन, ये प्राथमिक है भाई। शुरुआती दौर में हम लोग ये कर सकते हैं, कुछ नहीं है हमारे पास तो हम लोग वानिकी कर सकते हैं, वन लगा सकते हैं, छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं, और मछली पालन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पशुपालन भी कर सकते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे भाई, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए ज्यादा लागत की जरूरत है, किसी भी चीज को बनाना, निर्माण करना भाई। मान लीजिए साबुन की फैक्ट्री होगी, साबुन बनाना, मान लीजिए कि कुरकुरे की फैक्ट्री होगी, कुरकुरे, ये सब मैन्युफैक्चरिंग है, ये प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। चलिए सोनू सिंघानिया, बहुत बढ़िया। अब कितना क्वेश्चन है भाई? 80 क्वेश्चन था जिसमें से 78 हो गए, और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। बहुत बढ़िया, सी होगा अविनाश कुमार, बहुत बढ़िया। इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है? देखिए ये मैंने मॉडल पेपर करवाया भाई, आपको 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव के एग्जाम में, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के पूछे जाएंगे एसएसटी में भाई, एसएसटी में और साइंस में 80 क्वेश्चन रहते हैं, 20-20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, ये तो मालूम होगा। तो भाई 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, सॉरी 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन कितना रहेगा 80, जिसमें से आपको 40 ही करने हैं, लेकिन मैंने पूरा क्वेश्चन को हल करा दिया, ठीक है। छोटू खान सर, क्लास 10th बैच कब ओपन होगा? चलिए बताइए इनमें से क्या, इसकी अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, नोटिफिकेशन होगा तो आप लोग को बता दिया जाएगा। बताइए इनमें से क्या आवश्यकताओं को दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है भाई? वस्तु मुद्रा, मुद्रा, या फिर इनमें से सभी? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए भाई। 79 का सी रुपेश क्रिकेट शॉट, करण कुमार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अविनाश कुमार, करण कुमार, प्रिया कुमारी, बहुत बढ़िया भाई। मुद्रा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी होगा। इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है भाई? मुद्रा, मनी करता है, मनी है तो सब कुछ है, मनी इज ऑल, लेकिन मनी इज ऑल कहाँ से है भाई? आप लोग को लग रहा है मनी ही सब कुछ है, लेकिन बताइए। इनमें से अंतिम प्रश्न है भाई, आज का अंतिम प्रश्न, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? विच ऑफ दीज नॉट अ कमर्शियल बैंक भाई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए भाई, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। 80 का सी रुपेश क्रिकेट शॉट, 80 का सी भारतीय रिजर्व बैंक, बहुत ही बढ़िया बेटा। स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सब क्या है? कमर्शियल बैंक है, वित्तीय बैंक है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये वित्तीय बैंक, कमर्शियल बैंक नहीं है भाई, व्यापारिक बैंक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक। ये आपका टोटल 80 हो गया। अब आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए कि 80 में से आप लोग कितने सही किए हैं, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि 80 में से आप लोग कितने सही किए हैं। चलिए आज के लिए, आज आप लोग के लिए एक मोटिवेशनल कोट्स लेकर आ गए हैं भाई, बहुत ही अच्छी बात है, जो कि हमारे किन्होंने कहा था, अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था भाई, कि सपना वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपना
सपना, सॉरी, सपना वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं। भाई नींद में तो बहुत सारे सपना देखते होंगे आप लोग, लेकिन सपना वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं, यह तो एक ऐसी चीज है जो आपको नींद ही नहीं आने दे। सपना वैसा देखिए जो आपको नींद ही नहीं आने दे भाई, ठीक है। अगर नींद में जो भी सपना देख रहे हैं वो सपना सपना नहीं है भाई, वो हकीकत नहीं है। हकीकत में आप लोग ऐसा सपना देखिए जो कि आपको नींद में नींद ही नहीं आने दे भाई, नींद ही नहीं आने दे। पढ़ाई में मन लगाइए भाई। मान लीजिए आप लोग डीएम बनने का सपना देख रहे हैं, ये एक बहुत ही बढ़िया सपना है भाई। पढ़ाई से रिलेटेड, सफलता से रिलेटेड जितना भी आप लोग सपना देखिए खुली आंखों से देखिए, नींद नहीं आना चाहिए। उसके लिए जी जान आप लोग एक कर दीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए भाई, और आपका सपना एकदम पूरा होगा, जरूर पूरा होगा भाई, जरूर पूरा होगा, ठीक है। आज के लिए ये आप लोग के लिए मोटिवेशनल कोट्स है भाई, इसको याद रखिएगा कि सपना खुली आंखों से देखा जाता है, बंद आंखों से सोते हुए जो भी सपना सपना देख रहे हैं वो सच नहीं है भाई। खुली आंखों से सपना देखिए और उसको पूरा करने के लिए जी जान एक कर दीजिए। रात की नींद नहीं होनी चाहिए भाई, आंखों में रात में नींद नहीं होनी चाहिए। किताबों से आप लोग दोस्ती कर लीजिए, बहुत ही मजेदार होती है किताबें। किताबों को अपना फ्रेंड बना लीजिए, दोस्त बना लीजिए भाई। हर्ष का ऑनलाइन, सर आप अपना नंबर दीजिए। के करण सर आप कहाँ से हो? चलिए कैसा लगा भाई ये, भाई मोटिवेशन कैसा लगा भाई ये बताइए। अब्दुल कलाम आजाद ने कहा है भाई कि सपना वो नहीं जो हम लोग सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता है भाई। बताइए तो किताबों से दोस्ती होनी चाहिए, रातों की नींदें उड़ जानी चाहिए अपना सपना पूरा करने के लिए, क्योंकि अपना सपना हनी हनी नहीं, अपना सपना मनी मनी भाई, मनी को अपना सपना बना लो, ठीक है। चलिए और अपने माँ बाप के सपने को साकार करिए भाई, यही हम आशा करेंगे कि आप लोग जो भी सपना देख रहे हो, आईपीएस बनने की, आईएएस बनने की, सीजीएल निकालने की, या फिर आप 10th में टॉपर बनने का भी सपना देख रहे हो, तो उसको पूरा करने के लिए जी जान एक कर दीजिए भाई। नींद नहीं आनी चाहिए, इतना पढ़ाई करिए, ठीक है। अब पढ़ाई के साथ साथ भाई, पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है, खेल पर भी ध्यान दीजिए, फिजिकली मेंटली दोनों फिट रहना जरूरी है भाई। ये देखिए मजा आ गया सर। चलिए ज्योति कुमारी सर आप अपना नंबर दीजिए प्लीज। नंबर क्या करेंगे आप भाई, आप नंबर क्या करेंगे बताइए, बताइए इस नंबर से आप कांटेक्ट कर लीजिए भाई। देखिए ये हमारे संस्था का नंबर है, हम भी यहाँ मौजूद रहते हैं, तो ये लिख लीजिए 70 70 28 15 15। जो भी समस्या है इस पर आप लोग कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, समस्या का समाधान किया जाएगा। कांटेक्ट नंबर ये हमारा यही है, व्हाट्सएप ग्रुप भी यही है भाई, और कांटेक्ट नंबर भी संस्था का यही है। आप लोग इस नंबर से कांटेक्ट करके अपना सारा समाधान, सारा समस्या दूर कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर है 70 70 28 15 15, ठीक है भाई। तो और सब बहुत बढ़िया है, आप लोग बढ़िया है ना। तो चलिए अगर सेशन पसंद आया होगा तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी बच्चे नए नए जुड़े होंगे भाई पकड़ के उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, वरना मैं आ जाऊंगा सब्सक्राइब करवाने आपके पास, ठीक है। तो चलिए भाई, चलिए चलिए बहुत बढ़िया भाई, मिलते हैं तब आप सबसे अगले वीडियो में, अगले सेशन में, एक नए अंदाज नए जोश के साथ भाई। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। चलिए गुड बाय, नहीं बाय बाय, धन्यवाद, चलिए जय हिंद।